मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अपन जो पिछली क्लास में अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया था मर्दा जीवांश पदार्थ, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मर्दा जीवांश पदार्थ के बारे में पिछली परिभाषाएं देख ली थी अपन ने, और जीवांश पदार्थ के स्रोत देख लिए थे, संगठन देख लिया था उसका, और मर्दा जीवांश पदार्थ का वर्गीकरण भी देख लिया था अपन ने। तो आज की जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में मर्दा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन देखेंगे, और विच्छेदन भी पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी, विच्छेदन के बारे में भी आज अपनी जो चर्चा होगी उन जीवांश पदार्थों के कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन पर चर्चा होगी। तो कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन पर अपन चर्चा करते हैं, और आप लोगों ने देख लिया होगा पिछली क्लास। तो आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, ठीक है ना। विच्छेदन का मतलब होता है तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना। तो कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन में सबसे पहले सरल शर्कराओं का विच्छेदन देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सरल शर्कराओं का विच्छेदन, ठीक है ना। सरल शर्कराओं का विच्छेदन देखा जाता है। तो सरल शर्कराएं जो विच्छेदित होती हैं, कुछ सरल शर्कराएं तो होती हैं वो शीघ्र अपघटित हो जाती हैं, यानी सरल शर्कराएं होती हैं वो शीघ्र अपघटित होती हैं, और कुछ जो सरल शर्कराएं होती हैं वो विच्छेदित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। कुछ शर्कराएं विच्छेदित होकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जैसे C6H12O6, ये क्या होगा, अपघटित होकर के CO2+ जल बनाता है। ग्लूकोज अपघटित होकर के या ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है भाई, जल, O2, तो ये बना रहा है जल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, ठीक है ना, ये जो अभिक्रिया है इसमें सरल शर्कराएं, कुछ सरल शर्कराएं होती हैं वो अपघटित होकर के क्या बना रही हैं, CO2 और जल का निर्माण करती हैं, और कुछ जो सरल शर्कराएं होती हैं वो अपघटित होकर के ग्लूकागोनिक हार्मोन, साइट्रिक हार्मोन, सॉरी अम्ल, ग्लूकागोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिड बनाती हैं। दो C12H22O11, ये जो शर्कराएं हैं, ठीक है ना, ये सॉरी जटिल शर्करा थोड़ी, सरल शर्करा C6H12O6, इस ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती है, ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो CO2 और जल बन जाता है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी, ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन यहाँ 6 ऑक्सीजन के अणु मिल रहे हैं, यहाँ 1.5 अणु ही ऑक्सीजन का मिल रहा है, तो ऑक्सीजन की अपर्याप्तता में ये साइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और जल का निर्माण करती है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7+H2O, इस प्रकार ये साइट्रिक अम्ल बनाती है, इसका नाम है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यानी कि ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये क्या है, ग्लूकोज इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो साइट्रिक अम्ल बनता है। अपूर्ण का मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्तता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से ये हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे 4.5 अणु ऑक्सीजन के मिल जाए ग्लूकोज को, तो 4.5 अणु ऑक्सीजन के मिलते हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड बनाता है, C2H+H2O, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, ये ऑक्जेलिक एसिड बनता है तो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, C2H, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है तो CO2 और जल बनता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है तो साइट्रिक अम्ल बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, ठीक है ना, और एल्कोहल भी बनता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल बनते हैं। जबकि ऑक्सीजन कुछ यौगिक, इसके अलावा फ्यूमेरिक अम्ल भी बनता है,
कुछ अवायवीय जीवाणु, ये तो था वायवीय जीवाणु का, ठीक है ना, वायवीय जीवाणु की उपस्थिति में, अवायवीय जीवाणु की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है इसका, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणु जो इष्ट, जैसे अवायवीय जीवाणु होता है जैसे बैक्टीरिया या इष्ट, उसकी अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या इष्ट द्वारा, बैक्टीरिया या इष्ट इसके द्वारा होता है, ये होते हैं अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु। इनके द्वारा जब अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड और ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, इस प्रकार के अम्ल बनते हैं। तो जैसे C6H12O6 वायु की अनुपस्थिति में, यानी अवायवीय जीवाणु इष्ट ये करते हैं इसका विच्छेदन, तो इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है C3H6O3, ठीक है ना, C3H6O3। इस प्रकार लैक्टिक अम्ल है ये, लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार यदि C12H12O6 इससे होता है, तो इससे भी हमें ब्यूटायरिक अम्ल CO2 और जल बनता है, ब्यूटायरिक अम्ल CO2 और जल, C4H8O2+CO2+जल। तो यह होता है ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल भी बनता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि शर्कराओं का जब विच्छेदन होता है, सरल शर्कराओं का जब विच्छेदन होता है, तो सरल शर्कराएं वायवीय जो जीवाणु होते हैं उनकी उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका विच्छेदन, पूर्ण विच्छेदन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो हमें CO2 और जल मिलता है, अर्थात ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो CO2 और जल बनता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, उसी प्रकार अम्लों का निर्माण होता जाएगा। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कहने का मतलब अवायवीय जीवाणु द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो भी हमें अम्ल ही बनते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार शर्कराओं का क्या होता है, विच्छेदन होता है। तो आप टॉपिक डाल लेंगे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, ठीक है ना, टॉपिक लिखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, और उसमें नंबर एक टॉपिक डालेंगे सरल शर्कराओं का विच्छेदन, सरल शर्कराओं का विच्छेदन, और इसमें लिखेंगे आप सरल शर्कराओं के विच्छेदन में ये शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं, शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं, नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पर्याप्तता में इनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की पर्याप्तता में इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की पर्याप्तता में इनका ऑक्सीकरण CO2 और जल में, CO2 और जल में होता है या हो जाता है। ऑक्सीजन की पर्याप्तता में इनका ऑक्सीकरण CO2 और जल में हो जाता है, ऑक्सीजन की पर्याप्तता में इनका ऑक्सीकरण CO2 और जल में हो जाता है, CO2 और जल में हो जाता है। नीचे लिखेंगे CO2 और जल में हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले समीकरण नंबर एक उतारेंगे यहां, जहां जो पॉइंट होगा वहीं लिखाऊंगा मैं। ये समीकरण नंबर एक उतारेंगे, ये क्या है, ग्लूकोज है, लिख लेना ग्लूकोज, सारे एग्जाम्पल ग्लूकोज पर ही आधारित हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर एक उतार लेंगे, ये नीचे लिखेंगे
इनका अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर, अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर, अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल उत्पन्न होता है या बनता है। कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल बनता है ठीक है ना। नीचे लिखेंगे कुछ फंजाई यानी ये वायवीय जीवाणु है फंजाई, कुछ फंजाई इन्हें विच्छेदित करके ग्लूकोनिक अम्ल ठीक है ना, ग्लूकोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये लिखा हुआ रहा, ऑक्जेलिक अम्ल ये लिखा हुआ रहा और फ्यूमेरिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल बनाती हैं ठीक है। अब ये समीकरण उतारेंगे दोनों समीकरण उतारेंगे भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा है यहाँ, दोनों समीकरण उतार लें। चलो ये दोनों समीकरण उतारने के बाद में अब देखेंगे, अब नीचे लिखेंगे अवायवीय बैक्टीरिया तथा ईस्ट, नीचे लिखेंगे अवायवीय बैक्टीरिया तथा ईस्ट द्वारा, अवायवीय बैक्टीरिया तथा ईस्ट द्वारा विच्छेदन से लैक्टिक अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल प्रोपियोनिक अम्ल ठीक है ना, प्रोपियोनिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मिथेन और हाइड्रोजन बनता है, मिथेन और हाइड्रोजन बनता है। तो ये दोनों समीकरण उतार देंगे भाई, मिथेन और हाइड्रोजन बनता है, ये दोनों समीकरण उतार लें, दोबारा से देख लें। अवायवीय बैक्टीरिया
तथा इष्ट द्वारा विच्छेदन से लैक्टिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और हाइड्रोजन बनते हैं। तो ये दोनों समीकरण नीचे वाले उतार देंगे। नीचे वाले दोनों समीकरण उतार लेंगे भाई। हाँ भाई, अब देखते हैं। देखो मुतालिया हो गई आपने स्टार्च, तो देखो स्टार्च का जो विच्छेदन होगा, स्टार्च का विच्छेदन अवायवीय जीवाणु द्वारा, अवायवीय जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा विच्छेदन होता है। तो इसमें विच्छेदन के कार्बनिक अम्ल बनता है, एल्कोहल एसीटोन कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल एल्कोहल बनता है, एल्कोहल एसीटोन हाइड्रोजन और CO2, ये बनते हैं भाई किससे, अवायवीय जीवाणु के विच्छेदन द्वारा। ठीक है ना, कार्बनिक अम्ल एल्कोहल और एसीटोन और हाइड्रोजन CO2 बनता है। अब इस ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु डाइस्टेज एंजाइम पैदा करता है। ये जीवाणु कौन सा एंजाइम पैदा करता है, डाइस्टेज एंजाइम उत्पन्न करता है। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस स्टार्च को बदलने का काम करता है। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, किसमें बदलता है, माल्टोज में। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। ये एंजाइम बदलता है किसे, इसे माल्टोज में बदलने का काम करता है। अब माल्टेज एंजाइम इसे किस में बदलता है, ग्लूकोज में। ठीक है ना, माल्टोज से माल्टेज एंजाइम बदल देता है इसे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का जल अपघटन होता है या इसका विच्छेदन होता है, इसका जल अपघटन, जल अपघटन विभिन्न जीवाणु द्वारा, तो CO2 और जल बनाता है। इस प्रकार इस स्टार्च का विच्छेदन CO2 और जल तक इस प्रकार होता है। ठीक है ना, तो स्टार्च में, स्टार्च का सबसे पहले अवायवीय जीवाणु होते हैं, वो कार्बनिक अम्ल एल्कोहल और एसीटोन हाइड्रोजन CO2 में बदल देते हैं, सीधे बदल देते हैं ये दो। ठीक है, अवायवीय जीवाणु क्या करता है, डाइस्टेज एंजाइम उत्पन्न करता है। ये जो डाइस्टेज एंजाइम है स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टेज में, और इस माल्टोज से ग्लूकोज बनता है इस एंजाइम की उपस्थिति में। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज से जल अपघटन प्रक्रिया द्वारा जीवाणु द्वारा विच्छेदन होता है, तो CO2 और जल बनता है। तो इस प्रकार ये लिख लेंगे अब आप, स्टार्च का विच्छेदन
और इसमें लिखेंगे स्टार्च को अवायवीय जीवाणु, स्टार्च को अवायवीय जीवाणु या बैक्टीरिया, स्टार्च को अवायवीय जीवाणु, कार्बनिक अम्ल, अवायवीय जीवाणु कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल एल्कोहल एसीटोन, हाइड्रोजन व CO2, एल्कोहल एसीटोन हाइड्रोजन व CO2 में बदल देते हैं बदल देते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे ये जीवाणु डाइस्टेज एंजाइम उत्पन्न करते हैं, ये जीवाणु डाइस्टेज एंजाइम उत्पन्न करते हैं डाइस्टेज एंजाइम उत्पन्न करते हैं डाइस्टेज एंजाइम नीचे की लाइन में डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। जल अपघटित कर देता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 व जल बनती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 व जल बनती है। ठीक है, तो ये था स्टार्च का विच्छेदन। तो इस प्रकार ध्यान में रखना आपको भाई, सरल सरग्राम का विच्छेदन कैसे होता है, स्टार्च का विच्छेदन कैसे होता है। तो इसके लिए अब आता है हेमिसेलुलोज, नंबर 3 है हेमिसेलुलोज का विच्छेदन। हेमिसेलुलोज का जो विच्छेदन होता है वो प्रारंभ में शीघ्र होता है भाई। इसका विच्छेदन प्रारंभ में तो क्या होता है, शीघ्र होता है, बाद में धीमी गति से होता है। तो हेमिसेलुलोज का विच्छेदन हेमिसेलुलेज एंजाइम और सरल सरग्राम में कर देता है। हेमिसेलुलोज ये जो एंजाइम होता है, हेमी
सेल्युलेज ये एंजाइम इसे किस में बदल देता है, सरल शर्करा में। अब सरल शर्करा में बदलने के बाद में सरल शर्करा का विच्छेदन हो जाता है किस में, CO2 और जल में, इससे बन जाता है CO2 और जल। एक होता है पॉलीयूरोनाइड, ये भी हेमी सेल्युलोज ही होता है, पॉलीयूरोनाइड ठीक है ना। इसका विच्छेदन शर्करा एवं शर्करा मिश्रण इसमें होता है, शर्करा और शर्करा अम्ल के मिश्रण, शर्करा अम्ल का मिश्रण, सॉरी अम्ल का मिश्रण, और फिर इससे क्या बनता है, वही CO2 और जल बन जाता है। तो हेमी सेल्युलोज के बारे में लिखेंगे आप, हेमी सेल्युलोज का विच्छेदन इसके बारे में लिखेंगे, हेमी सेल्युलोज के बारे में लिखेंगे, हेमी सेल्युलेज एंजाइम, हेमी सेल्युलेज एंजाइम, हेमी सेल्युलेज एंजाइम, हेमी सेल्युलेज एंजाइम हेमी सेल्युलोज को, हेमी सेल्युलेज एंजाइम हेमी सेल्युलोज को सरल शर्कराओं में अपघटित कर देता है, सरल शर्कराओं में अपघटित कर देता है सरल शर्कराओं में अपघटित कर देता है जो जल व CO2 में विच्छेदित हो जाती हैं, जो जल व CO2 में विच्छेदित हो जाती हैं, जल व CO2 में विच्छेदित हो जाती हैं, ठीक है भाई, जल व CO2 में विच्छेदित हो जाती हैं। अब इस ये दोनों उतार लेंगे समीकरण, आप दोनों समीकरण उतार लें, इसके बाद में सेलुलोज फोर्थ नंबर है, सेलुलोज का विच्छेदन, तो देखो सेलुलोज का जो विच्छेदन होता है वो होता है, सेलुलोज भी स्टार्च किस तरह का ही पदार्थ होता है, जो ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं, इसमें भी क्या होती हैं, ग्लूकोज का बहुलक है, ये ग्लूकोज का बहुलक, जिस प्रकार स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है इसी प्रकार सेलुलोज भी ग्लूकोज का एक जटिल बहुलक है, ठीक है ना। तो इसका विच्छेदन होता है ये बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज और कवक, इसका विच्छेदन कौन करते हैं, बैक्टीरिया
एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज और कवक। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और कवक। एक होता है सेल्युलेज एंजाइम, सेल्युलेज एंजाइम, सेल्युलेज एंजाइम। ये एंजाइम बदलता है किसे? इसे सेलोबायोस में, सेलोबायोस में बदलता है, सेलोबायोस। और इस सेलोबायोस से ग्लूकोज बनता है। ये सेलोबायोस किस में बदलता है भाई? ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है तो इसमें CO2 प्लस जल बनता है। इस प्रकार इस सेलुलोज का भी अपघटन होता है और इसके साथ में ऊर्जा भी बनती है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है भाई, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे अब आप इसमें, सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है, सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। और इसमें लिखेंगे सेलुलेज एंजाइम द्वारा, सेलुलेज एंजाइम द्वारा सेलुलोज, सेलुलेज एंजाइम द्वारा सेलुलोज जल अपघटित होकर, सेलुलेज एंजाइम द्वारा सेलुलोज जल अपघटित होकर सेलोबायोस, सेलोबायोस, ठीक है ना, सेलोबायोस ये रहा लिखा हुआ, सेलोबायोस बनाता है, बनाता है जो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है, जो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है ग्लूकोज में बदल जाता है नीचे की लाइन में लिखेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर CO2 जल व ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर CO2 जल व ऊर्जा उत्पन्न होती है, CO2 जल व ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सेलुलोज का विच्छेदन है। नीचे एक लाइन और लिख लेंगे, सेलुलोज का विच्छेदन बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा होता है, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा होता है, बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा होता है। अब आता है लिग्निन, लिग्निन का विच्छेदन, लिग्निन का विच्छेदन। तो लिग्निन का जो विच्छेदन होता है ये एक जटिल पदार्थ होता है भाई, लिग्निन, ठीक है ना। तो ये संकीर्ण पदार्थ है, लिग्निन क्या है? संकीर्ण पदार्थ। संकीर्ण पदार्थ का मतलब जटिल है थोड़ा सा। इसका विच्छेदन क्या होगा? कम होगा। विच्छेदन क्या होगा? कम, ठीक है ना। और ये इसकी संरचना होती है, उसमें बेंजोल संरचनाएं होती हैं, इसकी संरचना बेंजोल होती है, बेंजोल चक्र पाया जाता है, ठीक है ना। और बेंजोल चक्र में सह श्रृंखलाएं यानी बहुत सी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई होती हैं। बेंजोल चक्र ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं। और
इसका जो विच्छेदन होता है ये फंजाई द्वारा और बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। ये बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह होते हैं, बैसिडियोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज, इनके द्वारा ही इस लिग्निन का क्या होता है, विच्छेदन होता है, कवक और फंजाई द्वारा नहीं होता है। तो आप लिख लेंगे इसमें यह है संकीर्ण पदार्थ होने के कारण, संकीर्ण पदार्थ होने के कारण विच्छेदन कम होता है, विच्छेदन कम होता है। इसकी संरचना में बेंजोल चक्र होता है, इसकी संरचना में बेंजोल चक्र होता है, बेंजोल चक्र होता है, ठीक है। नीचे लिखेंगे इनका विच्छेदन बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह है, बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह है, बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह है तथा विशेष एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह है तथा विशेष एक्टिनोमाइसिटीज ही कर पाते हैं ठीक है। तो ये था लिग्निन का विच्छेदन, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट का, देखते हैं तो प्रोटीन का विच्छेदन, प्रोटीन के विच्छेदन के अंतर्गत है। देखो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनाता है, प्रोटीन से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड। इस प्रोटीन किस में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड में, ठीक। पॉलीपेप्टाइड बदलता है एमिनो अम्लों में, तो पहले तो प्रोटीन का विच्छेदन किस में होगा, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड का फिर विच्छेदन होगा अम्लों के, एमिनो अम्लों के अंतर्गत। अब एमिनो अम्लों का जो विच्छेदन होगा बैक्टीरिया द्वारा होगा, फंजाई द्वारा होगा, जो CO2, इस एमिनो अम्ल के द्वारा क्या बनता है भाई, CO2 बनता है, ठीक है, अमोनिया बनती है, कार्बनिक अम्ल बनते हैं, कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना, CO2, अमोनिया, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल और अन्य यौगिक, एल्कोहल व अन्य यौगिक ये बनते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन का विच्छेदन होता है। आप लिख लें सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है,
जो अंत में एमिनो अम्ल बनाता है, एमिनो अम्ल बनाता है एमिनो अम्ल बनाता है नीचे की लाइन में लिखेंगे अब, इन एमिनो अम्लों से CO2 अमोनिया CO2 NH3 अमोनिया कार्बनिक अम्ल एल्कोहल और अन्य यौगिक बनते हैं तो ये था कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन जो अपन ने देख लिया है, छह भागों में डिवाइड करके कार्बोहाइड्रेट को। अब जो अपना नया टॉपिक है वो है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को, प्रभावित करने वाले कारक, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक, और नंबर एक कारक आता है इसके अंतर्गत पादप पदार्थ की प्रकृति। अब आप साधारण से कारक हैं सारे, आप को पढ़ते ही याद हो जाएंगे। पादप पदार्थ की प्रकृति यानी जो पौधा ज्यादा बड़ा है, जिसका जीवन का लंबा है, वो पौधा जटिलता से अपघटित होता है, और जो पौधा छोटा है, शाकी पौधा है, वो पौधे शीघ्रता से अपघटित होते हैं, ठीक है ना। तो पादप पदार्थ की प्रकृति में लिखेंगे इसमें, पूर्ण परिपक्व पौधे की तुलना में सरस उत्तक वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे इसी में, परिपक्व पौधों में हेमीसेलुलोज और लिग्निन, की मात्रा बढ़ जाती है जिससे इनका विच्छेदन धीरे धीरे होता है, नंबर दो पॉइंट है भाई, मृदा नमी। अब देखो मृदा में नमी ज्यादा है, ठीक है ना। एक तो नमी की मात्रा ज्यादा हो या फिर शुष्क अवस्था हो, सूखी हो, वहां विच्छेदन कम होगा। एक तो बिल्कुल ज्यादा नमी हो या बिल्कुल सूखी हो, वहां विच्छेदन कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि जीवाणु वहां सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो लिख लें आप, मृदा में अत्यधिक नमी एवं शुष्क अवस्था में
जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, मृदा में अत्यधिक नमी एवं शुष्क अवस्था में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कम होता है क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम होती है। जीवाणु की क्रियाशीलता कम होती है। आता है विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा मृदा जल धारण क्षमता 60 से 80% जल धारण क्षमता की 60 से 80% होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है वायु संचार। अब देखो, मृदा में ऑक्सीजन की जो संचार क्षमता पर्याप्त होगी तो ऑक्सीजन का विच्छेदन ज्यादा शीघ्रता से होगा, ऑक्सीजन का वायु संचार कम होगा तो इसका विच्छेदन धीमी गति से होगा। तो लिख लें, मृदा जीवों और सूक्ष्म जीवों मृदा जीवों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा जीवों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। उचित वायु संचार वाली दोमट मृदा में चिकनी मृदा की अपेक्षा विच्छेदन शीघ्र होता है। अगला टॉपिक है मृदा ताप। तो जीवाणु की क्रियाशीलता मृदा ताप पर भी निर्भर करती है। ठीक है ना, विच्छेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी होती है, परंतु तापमान बढ़ने के साथ साथ इसकी गति और बढ़ जाती है। जैसे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा विच्छेदन की प्रक्रिया होती है, उचित तापक्रम होता है। तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जिसकी क्रियाशीलता घटती है। तो लिख लें आप, विच्छेदन की प्रक्रिया 5 डिग्री सेल्सियस पर भी होती है। होती है, परंतु ताप बढ़ने पर इसकी गति बढ़ती है। ताप बढ़ने पर इसकी गति बढ़ती है इसकी गति बढ़ती है ठीक है ना।
30 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर विच्छेदन सही होता है, लेकिन इससे अधिक ताप पर कुछ ताप सहने वाले जीवाणु द्वारा ही विच्छेदन होता है। इससे अधिक ताप पर कुछ ताप सहने वाले जीवाणु द्वारा ही विच्छेदन होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो संकुचित होता है या अधिक मात्रा में होती है तो विच्छेदन शीघ्रता से होता है, नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है और ये अनुपात विस्तृत होता है तो विच्छेदन धीमी गति से होता है। तो लिख लें आप, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने पर विच्छेदन प्रक्रिया तीव्र होती है लेकिन कार्बन लेकिन नाइट्रोजन कम होने या नाइट्रोजन कम होने या का नाइट्रोजन कम होने या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विच्छेदन धीमी गति से होता है। पर विच्छेदन धीमी गति से होता है। छठा पॉइंट है मृदा पीएच। ठीक है ना, तो लिख लें जो पीएच का उदासीन मान होता है 7.0 इस पर विच्छेदन शीघ्रता से होता है। तो लिख लें उदासीन पीएच 7.0 पर विच्छेदन अधिक होता है। उदासीन पीएच 7.0 पर विच्छेदन अधिक होता है। अम्लीय व क्षारीय मृदाओं का विच्छेदन कम होता है। अम्लीय व क्षारीय मृदाओं का विच्छेदन कम होता है। अम्लीय व क्षारीय मृदाओं का विच्छेदन कम होता है। ठीक है, नीचे लिख लें अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर विच्छेदन गति बढ़ जाती है। ठीक है, यानी उदासीन पीएच पर विच्छेदन तीव्रता से होता है, अम्लीय सारी मृदा होती है विच्छेदन कम होता है और अम्लीय मृदा है उसमें यदि चूना मिला दें तो विच्छेदन के गति बढ़ जाएगी। सातवां नंबर है पोषक तत्व मृदा। तो ये पोषक तत्व
पोषक तत्व तो लिख लें आप, मृदा में उर्वरकों द्वारा, मृदा में उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व, मृदा में उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है, मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो विच्छेदन ज़्यादा होगा, पोषक तत्व कम होंगे तो विच्छेदन कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये 7 पॉइंट हैं, ये जीवांश पदार्थ के प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, और कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब कार्बन जो चक्र है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, कार्बन चक्र ह्यूमस के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके रासायनिक गुण भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप नियमित रूप से क्लास में जुटे रहें, रिविजन करते रहें। धन्यवाद आज के क्लास के लिए।